Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe at home. So you all are. I hope you all are enjoying the online sessions, uh, Bacho, uh We have discussed the very. Uh, we are discussing the very important chapter that is called. what is the name of the chapter, students? Changes around us. And in this chapter, we have discussed about the different type of changes. Uh, yesterday, we have discussed about the reversible and irreversible changes. Okay, Bacho. एंड uh, मैंने आपको बताया भी था मैंने आपको होमवर्क भी दिया था आई गिविन होमवर्क दिस स्टेबल सिक्स पॉइंट वन यर दम कॉमन चेंजेस आउट अवर इट इज़ इट कैन बी रिवर्स और नॉट ओके सो आई होप यू ऑल हैव डन इट ओके नाउ लेट्स मूव फॉर दर बच्चों हमने कल रिवर्सिबल चेंजेस इ रिवर्सिबल चेंजेस पढ़ा जिसमें रिवर्सिबल चेंजेस बहुत चेंजेस होते हैं ठीक है जिसको आप क्या कर सकते हैं यू कैन रिवर्स्ड ठीक है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं दैट अ दे रिवर्सिबल चेंज इीवर्सिबल चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल द ए रिवर्सिबल चेंज बच्ची इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेज़ हैं जो अभी हम लोग को पढ़ने हैं ठीक है वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप हम लोग उसको क्या करेंगे पढ़ेंगे ठीक है वो आपने देखे होंगे ये देखिए आपकी बुक में ये टूल्स दिए गए हैं ठीक है जिससे आप क्या करते हो आप जब फार्मिंग वगैरह करते हो ठीक है तो या जो सॉइल वगैरह को डिक करने के लिए इन सारे चीज़ों का यूज होता है ठीक है तो अगर आप इसमें देखो तो ये देखिए ये जो इसका जो डंडा है ठीक है स्टिक है ये अलग है और जो आपका आ, ये जो औजार है ठीक है ये अलग है इसका जो हैंडल है वो अलग है इसके अलावा जो आपने देखो इसमें रिंग है तो इस हैंडल को इस रिंग में क्या करना पड़ता है पहले फिट करना पड़ता है तभी जो हम इसको जो है अच्छे से यूज़ कर सकते हैं है ना तो नॉर्मली ये जो रिंग होती है ना है ना ये नॉर्मली जो आपकी टूल्स की जो रिंग होती है ठीक है इसके अंदर वुडन हैंडल को हम लोग क्या करते हैं फ़िक्स करते हैं ठीक है लेकिन हमेशा आप देखोगे कि ये जो रिंग होते हैं ना ये इस वुडन हैंडल से थोड़ी सी छोटी होती है अगर आप नॉर्मली क्या कर इस हैंडल को इसमें फिक्स करने की कोशिश करोगे तो ये फिक्स नहीं होगा ऑब्वियसली ये फिक्स नहीं होगा क्यों क्योंकि रिंग का साइज छोटा होता है और आपका जो हैंडल होता है ना इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर कैसे फिक्स करते हैं इसके लिए बच्चों हम आ, क्या करते हैं कि ये जो रिंग होता है ना इसको थोड़ा सा हम हीट करते हैं जब इस मेटल के रिंग को हम हीट करते हैं ना ठीक है तो ये बड़ा हो जाता है है ना मैजिक ठीक है तो आप क्या करोगे जब इसको हीट करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर आप क्या करोगे अपने हैंडल को इसमें क्या कर दोगे अंदर इसमें फिक्स कर देंगे और बच्चों एक चीज और बताऊ जैसे ही ये रिंग ठंडा होगा ये फिर से टाइट हो जाएगा यानी जैसे अपनी इसकी पहली पोजिशन थी वो अपने पुराने पोजिशन पर फिर से आ जाएगा है ना तो ये बच्चों क्या हुआ जब हमने किसी रिंग को या किसी मेटल को जब हीट किया तो ये क्या हो गया इसका साइज बड़ा हो गया यानी ये साइज में बड़ा होना को साइंस में बोलते हैं एक्सपैंड क्या बोलते हैं बच्चों एक्सपैंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्ट एक्सपेंशन ठीक है और जब हमने इस रिंग को कूल cool किया इसको हमने ठंडा किया तो ये क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ गया एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है सिकुड़ना ठीक है तो जब हमने इसको हीट किया वेन वी हैव हीटेड इट ओके इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज दैट इज कॉल्ड एक्सपैंड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन है ना down, और जब वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, तो टाइटली आपके हैंडल पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. है ना बच्चों तो का जो चेंज होता है जिसमें मेटल रिम जो है आपका क्या हो गया एक्सपैंड हो गया फिर ठंडा होने पे क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया ठीक है ना तो इस टाइप का भी यूज आपके डेली लाइफ में है. है ना तो आपने देखा होगा जब आप व्हील्स वगैरह होते हैं ना जो आपने देखा होगा रिक्शा या सब्जी के जो ठेले होते हैं ठीक है उसके ऊपर जो रिंग जो आपका जो व्हील होता है व्हील में क्या होता है एक मेटल का रिम होता है होता है ना और उसके ऊपर क्या करते हो आप कि जो मेटल का रिम होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है वुडन व्हील से है ना और वुडन व्हील के ऊपर आपको मेटल का रिम जो है क्या करना होता है उसके ऊपर कवर अप करना होता है तो क्या करते हो आप रिम को बेसिकली एक्सपैंड करते हो ठीक है और वो जाकर के आपके वुडन वाले में फिट्स हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा देखो मैं नीचे दिया अब पे, है। है तो जो जो लकड़ी का जो व्हील बना हुआ ये बड़ा है साइज में जबकि रिम आपका क्या है वो छोटा है अब आपको ये रिम जो है इसके ऊपर क्या करना है चढ़ाना है तो क्या करोगे कैसे चढ़ाओगे आप क्या करोगे जो मेटल का रिम है ना इसको आप हीट करोगे ठीक है जब इस मेटल के रिम को आप हीट करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा एक्सपैंड हो जाएगा फैल जाएगा और तुरंत आप इसको क्या करोगे इसमें लकड़ी के जो आपका ये है व्हील है इसके ऊपर आप चढ़ा दोगे और जैसे ये ठंडा होगा ये टाइटली क्या कर लेगा उसको फिक्सअप कर लेगा समझ में आ रहा है तो ये सारे प्रोसेस बेसिकली बच्चों एक्सपेंशन के हैं है ना एक्सपेंशन हो गया कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो हमने यहां पे एक चीज ये सीखी कि जब हम किसी मेटल वगैरह को कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब उनको हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं क्या करते हैं एक्सपैंड तो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है आपको एक्सपैंड करेंगे और जब उसको ठंडा करेंगे कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड टाइट हो जाएगा बिकम टाइट्स है ना तो बच्चों ये जो एक्सपेंशन वगैरह होता है ना ठीक है ये सॉलिड लिक्विड गैसेज में अलग अलग होता है हाँ बच्चों है ना सॉलिड्स में बेसिकली क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड कैन नॉट मूव ये तो बात आपको पता है ना ठीक है एंड यू नो दिस द मैटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तो इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन नॉट मूव ठीक है लिक्विड्स लिक्विड्स में क्या होता है द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड एंड दे आर फ्री टू मूव विद इन द द द लिक्विड इज इन पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कैन मूव एट एनी डिस्टेंस है ना तो बच्चों देखो होता क्या है ठीक है इसको समझते हैं अच्छे से वेन यू हीट अ सॉलिड जब आप किसी सॉलिड को क्या करते हो बच्चों हीट करते हो ठीक है तो बेसिकली वो क्या होता है वो मेल्ट होता है और मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ठीक है और जब फिर से उस लिक्विड फॉर्म को आप कूल करते हो तो फिर से वो सॉलिड में टर्न चेंज हो जाता है है ना तो होता क्या बच्चों कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं ना तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें एनर्जी आ जाती है है ना और जैसे ही जब हीट करेंगे उनमें एनर्जी आ जाएगी तो वो इधर उधर क्या करने है? करना है हेयर एंड एयर मूव करना शुरू कर देंगे है ना और जब वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वो चीज़ें क्या हो जाएंगी एक्सपेंशन हो जाएगा यानी वो फैल जाएंगे समझ में आ रहा है एक्सपेंशन कैसे होता है है ना कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है उनके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है कानीटिक एनर्जी होती है बेसिकली जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं पार्टिकल्स और तो जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं तो अपनी पहली की पोजिशन से थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं जिससे एक्सपेंशन होता है वो फैल जाते हैं है ना सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन शो होता है वो कौन करता है गैसेस ठीक है जबकि सॉलिड्स में सबसे बहुत ही कम एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है बच्चों है ना चलो और चीज़ें मैं आपको एक्टिविटीज से और चीज़ भी बहुत सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है हम सॉलिड लिक्विड गैसेस में और भी देखते हैं एक्सपेंशन जैसे इनके एप्लीकेशन देखने के कहाँ कहाँ इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं ठीक है बच्चों आपने रेलवे ट्रैक्स देखा होगा है ना रेलवे रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है इसमें दो पैरेलल मेटल रेल्स होते हैं जिनको हम एक साथ क्या करते हैं जोड़ते हैं आपको पता है बच्चों कि जो जब दो पटरियों को हम या जो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं इसमें दो मेटल रेल्स होते हैं ना जब उनको हम जोड़ते हैं ना तो उन दोनों रेल जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है थोड़ा गैप होता है जब हम ज्वाइंट जहाँ पे ज्वाइंट करते हैं जैसे दो पटरियों को जहाँ पे हम जोड़ रहे हैं ना ज्वाइंट पे तो उसको एकदम जो है हम बहुत ही पास में बहुत ही क्लोज उसको टच करके नहीं जोड़ते हैं। उनको थोड़ा दूर दूर रखते हैं उनके बीच में थोड़ा गैप रहता है आपको पता है वो गैप हम क्यों रखते हैं उसका भी आपका क्या है डेली लाइफ में यूज है कैसे क्या? क्या सोच के हमने रखा है बच्चों क्या होगा ना जब गर्मी पड़ेगी जब समर्स होंगी है ना जब बहुत ही हॉट वेदर होगा तो क्या करे क्या होगा हॉट वेदर में जो आपकी रेल्स है ना रेल की जो पटरियां वो एक्सपेंड करेंगी क्योंकि मेटल है ठीक है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड करेंगी फैलेंगी और जब वो फैलेंगी तो क्या होगा अगर उनके बीच में गैप नहीं रहेगा तो क्या होगा फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी उनको और फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो आपकी पटरियाँ क्या हो जाएंगी टेढ़ी हो जाएंगी है ना टिल्ट अप हो जाएंगी इसलिए आपकी जो ट्रेन है वो क्या हो सकती है पटरियों से पलट सकती है इसीलिए हम बच्चों को थोड़ा गैप रखते हैं जिससे अगर हॉट वेदर में या समर में अगर क्या हो कि आपका जो एक्सपेंशन भी होता है एक्सपेंड होते हैं अगर मेटल्स ठीक है तो एक्सपेंड होने के बाद भी वो आप टेढ़ी ना हो और जा कर के उसमें फिक्स हो जाए जुड़ जाए तो ये एक आपका बहुत ही डेली लाइफ में जो है यूज़ है एक्सपेंशन का है ना और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा बच्चों जो आ, जो बिजली के जो तार होते हैं ना जो पोल्स लगते हैं बिजली के है ना तो ये जो बिजली के जो पोल्स होते हैं ठीक है ये इनके इनमें जो दो सपोज दो पोल्स हैं दो पोल्स के बीच में आपका वायर जाता है एलुमिनियम का तो उस वे के वायर को हम थोड़ा लूजली क्या करते हैं बांधते हैं है ना थोड़ा लूज़ करके आपने देखा थोड़ा ढीला करके उसको बांधा जाता है ठीक है तो ढीला करके बांधने का क्या रीज़न होता है वो हम लोग इसलिए बांधते हैं क्योंकि जब बहुत ही गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा वो एक्सपेंड करेगा एक्सपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा टाइट हो जाएगा है ना इसलिए अगर पहले से अगर हम उसको टाइट करके बांध देंगे तो क्या होगा बेसिकली अगर पहले से ही टाइट करके बांध देंगे तो और एक्सपेंड होगा गर्मी में होगा, और वो टूट सकता है समझ में आ रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेंशन के एग्जाम्पल हैं और मैं आपको बताऊं आप जो है जैम की बॉटल लेके आते हो है ना एंड यू नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपन द बॉटल ऑफ जैम क्योंकि उसमें मेटल की एक लिड लगी होती है है ना और वो जल जल्दी से खुलता नहीं है तो उसका एक सबसे आसान तरीका क्या है खोलने का आप क्या करो उस लिड को थोड़ा सा हीट कर दो जैसे आप उस लीड को थोड़ा सा हीट करोगे वो एक्सपेंड कर जाएगी फैल जाएगी और आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो हटा सकते हो निकाल सकते हो है ना तो ये कुछ चीजें हैं ठीक है ये आपके एप्लीकेशन है एक्सपेंशन के समझ में आ रहे हैं बच्चे ठीक है तो दिस इज अ वेरी अब हम आते हैं किस पे आ, ये तो सॉलिड का हो गया अब लिक्विड का भी एक्सपेंशन देखते हैं ये तो मैंने आपको जो एक्सपेंशन बताया बच्चों सॉलिड्स में बताया ठीक है तेके? अब हम देखते हैं कि कैसे आपका एक्सपेंशन लिक्विड्स में होता है आपको पता है एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों वाटर जो है वॉटर जब आप हीट करते हो ना तो वो क्या करता है वो एक्सपैंड होता है वो भी एक्सपैंड होता है ठीक है ना आप ये मैं आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूं ये एक्टिविटी आप घर में कर सकते हो अगर विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट अगर आपके घर में पेरेंट्स वगैरह हैं गार्डियन है ठीक है गार्डियन वगैरह है तो उनकी हेल्प की उनको हेल्प उनका हेल्प लेकर के आप ये एक्टिविटी कर सकते हो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आपको क्या करना है आ टेक अ ग्लास विच इज फिल्ड विद वाटर टू इट्स ब्रिम ब्रिम का मतलब यह होता है कि एकदम ऊपर तक ठीक है आप एक ग्लास लो उसमें पूरा ऊपर तक पानी लो ठीक है अब उस पानी को आप एक वेसल में क्या कर दो डिकेंट कर लो पोर कर दो ठीक है और उसके बाद आप क्या करो उस पानी को हीट करो बॉयल नहीं करना है रिमेंबर आपको बॉयल नहीं करना है उस वाटर को सिर्फ आपको हीट करना है ठीक है जब वो आपका वाटर क्या हो जाए हीट हो जाए ठीक है तब दोबारा उस पानी को आप उस ग्लास में डालो आप देखोगे कि वो पानी ज्यादा हो गया है yes, यस वो पानी ज्यादा हो गया होगा और वो गिरने लगेगा हालांकि एक ही गिलास पानी था उतना ही आपने डाला था भ्रिम तक था लेकिन जब हीट करने के बाद दोबारा जब उसको ग्लास में आप डालोगे तो आप देखोगे वो पानी ज्यादा हो चुका है यानी क्या हो गया आपका वाटर एक्सपेंड कर गया यस yes, बच्चों तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग uh, जो है आपकी एक्टिविटी है आप ये घर पे ठीक है अपने बड़ों की मदद से आप की मदद से आप कर सकते हो अपने घर ठीक है तो इसका मतलब हमने देखा कि यस लिक्विड भी एक्सपेंड करता है है ना देयर इज एक्सपेंशन इन लिक्विड आल्सो ठीक है चलो और देखते हैं अब हम बात करते हैं गैसेस में ठीक है बच्चों एक्सपेंशन गैसेस में कैसे होता है बच्चों आपको पता है कि अगर हम बैलून को इन्फ्लेट करें ठीक है और उसको अच्छे से फुला करके क्या करें आप ये ये एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है बच्चों ठीक है आप एक गुब्बारा लो ठीक है और उस गुब्बारे को अच्छे से ब्लो करो एयर अंदर और ब्लो करने के बाद जब वो पूरा ब्लो हो जाए अच्छे से फुल स्ट्रेंथ तक ठीक है उसके बाद उसको आप टाई अप कर दो धागे से अच्छे से टाई अप करके उसको धूप में रख दो ठीक है जब आप उसको धूप में रख दोगे ना तो आप क्या देखोगे कि थोड़ी देर के बाद आपका जो बैलून होगा ना वो बस्ट कर जाएगा है ना तो बस्ट क्यों किया कैसे बस्ट कर गया वो है ना बच्चों मैं बताता हूं कैसे होता है बच्चों आपने अंदर उसके क्या भरा था गैस भरी थी बैलून के अंदर क्या था गैस था और जब उस बैलून को आपने धूप में रखा तो सनलाइट जब उस पर पड़ी तो तो उसको उसको हीट हीट मिली और जब उसको हीट मिलेगी तो गैसेस क्या होंगी एक्सपैंड होंगी फैलेंगी है ना लेकिन गुब्बारे के अंदर तो फैलने के लिए जगह है नहीं तो गुब्बारा आपका क्या कर जाएगा बस्ट कर जाएगा समझ में आ रहा है दिस ऑल आर द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल्स बच्चों है ना तो ये सारी चीजें हैं ठीक है और लिक्विड्स का एक और मैं आपका एक्सपेंशन का एग्जाम्पल बता देता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों आपने थर्मोमीटर देखा होगा मक्यूरी थर्मोमीटर है ना आप क्या करते हो जब आपको फीवर होता है तो आप उसको जीप के नीचे ठीक है अपने आमपिट्स में लगाते हो तो क्या होता है जब आप जीप के नीचे और आर्म पिट्स में लगाते हो और आपको जब फीवर होता है तो आपका टेम्परेचर हाई होता है तो जब आप में टेम्परेचर हाई होता है और जब थर्मामीटर को हम लगाते हैं तो वो हीट अप हो जाता है और जैसे हीट होगा तो जो उसमें मक्यूरी होती है ना मकुरी क्या है मकरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे ठीक है तो जैसे हम उसको हीट करेंगे थर्मामीटर को ठीक है जीप के अंदर या जब क्योंकि टेम्परेचर आपका है वैसे ही वो क्या होगा जो आपके मौकरी हो वो एक्सपैंड करना शुरू कर देगा है ना और जब वो एक्सपैंड करेगा है ना तो उस इसीलिए हम क्या करते हैं उसको देख सकते हैं थर्मामीटर में कि आपका टेम्परेचर कहाँ तक है उसके एक्सपेंशन की वजह से इसी प्रॉपर्टी की वजह से इट इज़ यूजफुल ठीक है फॉर द यूज इन द थर्मोमीटर्स है ना तो ये सारी चीजें थी जो हमने एक्सपेंशन के बारे में जाना वो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं बच्चा ये ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं ओके अब एक्सपेंशन के बाद हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे हाँ बचो सी ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन तो मैंने बताया कि जब हम उसको हीट कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड को या गैसेस को तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इट बीन एक्सपेंडिंग ठीक है ये एक्सपेंड हो रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे यू नो कूलिंग ज द अपोजिट ऑफ हीटिंग है ना अगर हम कूलिंग करेंगे तो जो हीटिंग से हो रहा था उसे क्या होगा अपोजिट होगा तो कूलिंग कॉजेज अ मटीरियल टू कॉन्ट्रैक्ट अगर हम चीजों को कूल cool करेंगे तो मटीरियल क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा सिकुड़ जाएगा है ना सबसे कम कॉन्ट्रेक्शन आपको देखने को मिलता है सॉलिड्स में ठीक है जबकि गैसेस सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेट्स सी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों ठीक है नाउ सी कॉन्ट्रेक्शन इन द सॉलिड्स बच्चों आपको पता है कि अगर हम किसी हॉट ग्लास आपके पास कोई बहुत ही ग्लास है शीशे का ठीक है और ये आपको बहुत ही गर्म है और उसको आप ठंडे पानी के नीचे अगर ले करके आएंगे तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाएंगे है ना तो ये सॉलिड था हुआ क्या इसमें आपका ग्लास गर्म था एक्सपैंड हुआ था और जैसे ही आप अचानक उसको ठंडे पानी के नीचे लेकर के आएंगे ना तो होगा क्या जैसे उसके डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्ट में आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा है ना ऊपर का सरफेस क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा जबकि अंदर का सरफेस उतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिससे क्या हो सकता है आपका ग्लास क्रैक हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्शन इन लिक्विड यू नो वी ऑब्जर्व दैट वाटर एक्सपेंस ऑन हीटिंग अभी हमने देखा था लेकिन आपको पता है कि अगर हम उसको ठंडा होने देंगे तो क्या होगा अभी जो आपने एक्टिविटी ऊपर किया था ठीक है कि आपने जो है ग्लास वाटर लिया था भ्रिम तक उसको आपने हीट किया और वो ओवरफ्लो होने लगा और आपको पता है उसी पानी को जब आप ठंडा कर लोगे ना तो फिर से वो ग्लास में फिट हो जाएगा यानी वो क्या हो गया जो एक्सपैंड हुआ था वो फिर से क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना तो दिस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ठीक है नेक्स्ट आते हैं इफ एन इन्फ्लेटेड बैलून इज इजार इन्फ्लेटेड बैलून है ठीक है, है अब आप उसको क्या करो यानी अच्छे से गुब्बारे को आपने फुला लिया उसको टाई अप कर लीजिए और टाई अप करने के बाद आप एक ऐसे ठंडे पानी के जो है बाल्टी टम्बलर लो उसमें ठंडा पानी है उस गुब्बारे को उसमें डाल दो धीरे धीरे आप देखोगे वो जो गुब्बारा था वो धीरे धीरे आपका सिकुड़ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि जब आपने उसको ठंडा किया तो अंदर जो गैस है वो क्या हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और आपका जो गुब्बारा वो साइज़ में छोटा हो जाएगा ठीक है तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों जिसमें हमने क्या देखा कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ठीक है ना जो एक्सपेंशन होता है वो हीटिंग की वजह से होता है एंड जो कॉन्ट्रेक्शन जो होता है वो आपके किसकी वजह से होता है कूलिंग की वजह से होता है समझ में आ गया तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ठीक है हाँ एक चीज और बच्चों जो अभी हमने वायर वाला देखा था इलेक्ट्रिक लाइन्स वाला ठीक है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है ठीक है ना क्योंकि गर्मियों में वो एक्सपैंड करेगा मेटल तो उसके लिए जगह चाहिए ठीक है लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में विंटर्स में क्या होता है कि वो जो आपका मेटल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है है ना सिकुड़ता है तो जब सिकुड़ेगा तो वो टाइट हो जाएगा इसीलिए उसको लूज़ रखते हैं है ना उसी क्या रखते हैं हम लूज़ रखते हैं अगर लूज नहीं रखेंगे तो विंटर्स में क्या होगा आपका टायर जब सिकुड़ेगा हो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बहुत ही टाइट हो जाएगा और अगर पहले से ही टाइट होगा तो वो ब्रेक कर सकता है टूट सकता है इसीलिए तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन की इसकी प्रॉपर्टीज़ है ठीक है सो दैट्स वायद दैट टॉट वायर ऑन कॉन्ट्रेक्शन इन विंटर्स कैन स्नैप ठीक है तो चलो ये बात हुई बच्चों कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन की ठीक है अब आते हैं हम ये एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है कुछ और चेंजेस देखते हैं टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स स्लैंड विद ए स्केल आप एक छोटी सी कैंडल लीजिए उसकी स्केल से उसकी लेंथ को मेजर कर लीजिए लेट लेटिन बर्न फॉर सम टाइम अब इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या होना चाहिए बर्न होने, होने दीजिए और उसके बाद कैंडल को ब्लो आउट कर दीजिए अब आप उसकी लेंथ फिर से मेजर करिए क्या देखेंगे क्या आपको चेंज देखने को मिला लेंथ में ये yes, ऑब्वियसली आप उसके कैंडल की लेंथ में आपको चेंज देखने को मिलेगा क्यों बच्चों क्योंकि आप देखोगे क्यों जो आपका जो वैक्स था वो थोड़ा बहुत क्या हो गया है मेल्टअप हो गया है ना तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो और हाँ एक चीज़ और उस उस मेल्ट को जो आपने मेल्ट इकट्ठा किया है आपने सॉरी जो मैक्स वैक्स इकट्ठा किया कलेक्ट किया उसको जब आप पैन में ले फिर से जब आप उसको क्या करोगे आ, हीट करोगे तो फिर से वो आपको लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा है ना इस एक्टिविटी को आप इंसेंस स्टिक इंसेंस स्टिक क्या होता है अगरबत्ती अगरबत्ती के साथ जब आप करोगे तो आप क्या कर? देखोगे ठीक है आप अगरबत्ती आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी जल जाएगी और बच्चे का क्या आपको ऐश राख मिलेगी तो क्या फिर राख से फिर से आप जो है उस मोमबत्ती को बना सकते हो नहीं बना सकते है ना आप नहीं कर सकते स्टिक बस टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे आपने मोमबत्ती में क्या देखा कि जो मोम था वो पिघल के मेल्टअप हो गया ठीक है और वैक्स बनाया उसने ठीक है आपने उसको हीट किया वो फिर से जो है वैसे उसी फॉर्म में आ गया लेकिन इंसेंस स्टिक में क्या हुआ अगरबत्ती को आप जलाओगे उसी एक नया सब्सटेंस बनेगा है ना वो वो नया सबसे क्या है ऐश कुछ गैसेस मिलेंगी है ना आप उन गैसेस को देख नहीं सकते है ना लेकिन सेंस तो कर सकते हो ना क्योंकि उसकी स्मेल थी ऐसी तो क्या इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो नहीं कर सकते यू कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज है ना तो अभी तक बेसिकली हमने क्या देखा कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं ठीक है जो मटेरियल्स में होते हैं कुछ रिवर्स हो सकते हैं कुछ नहीं रिवर्स हो सकते है, है ना बच्चों जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्लास चैप्टर फोर्थ में देखा था कि हम एक सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व करते हैं है ना तो वहाँ पे क्या होता है आपका सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो गया अच्छे सॉल्यूशन बन गया अब आप चाहो तो उसको रिवर्स कर सकते हो आप कर सकते हो वाटर और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं, है ना वहाँ पे आप कर सकते थे उसको अलग तो बहुत सारे चेंजेस अभी और भी हम लोग को देखने हैं बच्चों मैं आपको देखो बेसिकली ये बता रहा था कि हाँ इस चीज एक चीज़ और आपको समझा दूँ बच्चों कि अभी मैंने आपको बताया था ठीक है अपने पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मिल्क होता है ना वो स्पॉयल हो जाता है और जब वो अप हो जाता है वो हो जाता, तो वो कॉड बना लेता है है ना तो जब वो कर्ड बना लेगा तो क्या फिर से कर्ड से आप मिल्क बना सकते हो नहीं नहीं बना सकते आप है ना तो बच्चों एक चीज में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं ना जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना सम चेंजेस कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म कोई भी नया सब्सटेंस आपको नहीं बनेगा ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज रिमेंबर वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चों ऐसे चेंजेज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास जैसे आपने क्या किया ग्लास को ब्रेक कर दिया शीशे ग्लास उसको ब्रेक किया है ना चेंज तो हुआ चेंज आपको देखने को मिला पहले वो जो है ग्लास जैसे फॉर एग्जाम्पल बल्ब था आपका है ना बल्ब को आपने ब्रेक कर दिया तो ये एक फ़िजिकल चेंज है यहाँ पे जो ग्लास के टुकड़े कोई नया सब्सटेंस नहीं बना वो ग्लास ही है है ना तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या है एक आपका फिजिकल चेंज है फ्रीजिंग ऑफ वाटर वाटर को फ्रीज कर दीजिए आइस बनेगा है ना कोई नया सब्सटेंस नहीं बना टेयरिंग ऑफ पेपर है ना पेपर को फाड़ दीजिए कोई नया सब्सटेंस नहीं बना ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस हैं समझ में आ रहा है दिस ऑल आर द फिजिकल चेंजेस है ना तो फिर से बता रहा हूँ फिजिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जिसमें अ चेंज इन विच द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज समझ में आ रहा है फिर से बता रहा हूँ ऐसा चेंज जिसमें उस सब्सटेंस का बेसिक कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है वो फिजिकल चेंज होता है बच्चों फिजिकल चेंज में शेप साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज ये चीज़ें चेंज चीज़े चीज़ हो सकती हैं फिजिकल चीज में उसका शेप साइज स्टेट ठीक है ये सारी चीज़ें चेंज चीज़े हो सक स्टेट का मतलब क्या सॉलिड लिक्विड गैस ये सारी चीज़ें चेंज चीज़े चीज़े हो सकती हैं है ना ले, लेकिन उसका जो बेसिक कॉम्पोजिशन होगा वो नहीं चेंज होगा और शेप साइज और ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है ठीक है जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी बताया मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर टीरिंग ऑफ पेपर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इंटू वाटर दि दी ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस है ना और ये रिवर्सिबल भी है मैन्यू ऑफ द रिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल भी होते हैं है ना यानी रिवर्सिबल हो फिजिकल एक दूसरे से जुड़े होंगे है ना जो, क्योंकि जो ज़्यादातर रिवर्सेबल चेंजेस होते हैं वो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं ठीक है अब आते हम केमिकल चेंज बच्चों क्या होता है ठीक है बच्चों आपको पता है वेन ड्यूरिंग अ चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंट चेंजेस ऐसा चेंज जिसमें क्या हो कॉम्पोजिशन सब्सटेंस का क्या हो जाए चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल कोयले को अगर आप कोल को बर्न करोगे जलाओगे तो क्या होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी है ना तो पहले हमने जो बर्न किया था वो क्या था वो कोल था कोयला था लेकिन जलाने के बाद हमें कौन सी गैस मिली कार्बन डाइऑक्साइड तो ये एक नई चीज मिली है ना तो कोल से हमने एक नई चीज बनाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ कुछ नया बना कि नहीं बना है ना फिजिकल चेंज में कुछ भी न्यू नहीं बनता कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता लेकिन केमिकल चेंज में बच्चों ठीक है वहाँ पे आपको कुछ न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं कुछ नई चीज़ें मिलती हैं बनती हैं है ना जैसे अब देखो फ्लावर्स आपके फ्लावर्स चेंज होते हैं फ्रूट्स में है ना? तो पहले वो फ्लावर्स था वो चेंज हो गया आपके फ्रूट में तो यहाँ नया सब्सटेंस बना है ना जब आप मिल्क को बॉईल करते हो और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस अगर मिलाते हो तो वो चीज़ पनीर बन जाता है तो मिल्क आपका पनीर में चेंज हो गया यहाँ भी कुछ नया सब्सटेंस मिला है ना तो ये सारे के सारे आपके केमिकल चेंजेस होते हैं है ना कुकिंग ऑफ फूड है ना ये भी क्या है आपका केमिकल चेंज है है ना इसमें क्या होता है पूरा पूरा जो सब्सटेंस होता है वो न्यू सब्सटेंस बनाता है है ना तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों ज़्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना वो इरिवर्सिबल होते हैं क्या होते हैं वो इ चेंजेस होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बता दिया ठीक है बच्चों तो हमने बेसिकली आपने देख लिया बहुत सारे चेंजेस जाने कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवर्स आपके नहीं हो सकते है ना तो इसके अलावा भी एक दो चेंजेस मैं और बताऊं बच्चों जैसे स्लो एंड फास्ट चेंजेस आपको पता है कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं है ना सम चेंजेस आर लाइक दैट कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पे होते हैं है ना कुछ चेंजे बहुत फास्ट होते हैं सम चेंजेस टेक्स प्लेस वेरी फास्ट सच एज बर्स्टिंग ऑफ क्रैकरस है ना बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर या आपकी टी वी स्क्रीन पर कलर का चेंज होना होता है कि नहीं फटाफट जल्दी जल्दी चीजें चेंज होती हैं है ना तो ये सारे चेंजेस बहुत फास्ट जबकि कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं जैसे मिलियन इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू अक फॉर एग्जाम्पल इट टूक मिलियन ऑफ ईयर फॉर द पेट्रोलियम एंड कोल टू फॉर्म फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म बरिड अंदर द अर्थ क्रस्ट है ना अर्थ क्रस्ट के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म है इनसे पेट्रोल और कोल ये सब बनने में लाखों साल लग जाते हैं बच्चों तो बहुत ही स्लो चेंजेस है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जंक लगना है ना किसी लोहे की चीज़ पर धीरे धीरे जंक लगते बहुत ही स्लो प्रोसेस है तो दीज ऑल आर अबाउट द चेंजेस बेसिकली है ना तो बेसिकली हमने क्या देखा जो चेंजेस हमारे अंदर है वो उनको तो ग्रुप कर सकते हैं कि विच कैन बी रिवर्स और विच कैन नॉट बी रिवर्स है ना हायर क्लासेस में इन चेंजेस के बारे में और ज्यादा आप पढ़ोगे समझ में आ रहा है बच्चों तो बेसिकली हमने बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आज यहाँ पे जाने ठीक है और एक चीज बच्चे और बताऊँ आपको कि अगर मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूँ तो जैसे बच्चों कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं ना जैसे डिजायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेस एक और कैटेगरी में आपको बता सकता हूँ वो ये है आपके डिजायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंजेस ऐसे चेंजेस जो हमारे फायदे के लिए होते हैं उनको हम डिजायरेबल चेंज बोलते हैं जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कुकिंग ऑफ फूड है ना चेंज ऑफ सीजन ये हमारे डिजायरेबल चेंज है है ना क्योंकि इससे हमको फायदा हो रहा है कुछ चेंजेस बच्चों ऐसे हैं जो हमारे जो हमारे लिए हार्मुल होते हैं वो किस में आ जाएंगे हमारे अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाएंगे जैसे फ्लड्स ड्राउट्स पॉल्यूशन एक्सीडेंट्स दिस ऑल आर द डिजायरेबल चेंजेस ठीक है तो बच्चों फाइनली इस चैप्टर को हमने एंड किया और इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखे जिसमें हमने क्या देखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस देखे हमने एक्सपेंशन और क्या देखा कॉन्ट्रैक्शन देखा सॉलिड्स में लिक्विड्स में गैसेस में एक्सपेंशन देखा ठीक है उसके बाद से कॉन्ट्रेक्शन भी देखे उनके एग्जाम्पल देखे हमारे डेली लाइफ में यूजेस भी देखे है ना हमने ऐसे चेंजेस देखे जो हमारे लिए फायदेमंद है बेनिफिशियल है डिजायरेबल चेंज देखा अनडिजायरेबल चेंजेस देखे हमने डेली अप्लीकेशन देखे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखा वो जब मैंने बताया कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म दिस ऑल आर द फिजिकल चेंजेस जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फ्रीजिंग ऑफ वाटर टीरिंग ऑफ पेपर है ना केमिकल चेंजेस आर दोस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी डिफरेंट होंगे जैसे कुकिंग ऑफ फूड है ना बर्निंग ऑफ एनी सब्सटांसेज तो दिस ऑल आर द केमिकल चेंजेस ठीक है तो हमने क्या कौन कौन सी कैटेगरीज पढ़ी इसको ग्रुप डाउट अगर करें तो फिज रिवर्सिबल एंड इन रिवर्सिबल चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ओके एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटीरियल डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस एंड स्लो एंड फास्ट चेंजेस तो बच्चे दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर वेरी इजी चैप्टर ठीक है बहुत ही आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है अगर आप इसको आप बहुत ही एप्लीकेटिव तरीके से पढ़ोगे बच्चों समझोगे तो बहुत आसान चैप्टर है नथिंग टफ इन दिस कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा इसमें बस एक दो बार इसको अच्छे से रिवाइज करो गो थ्रू दिस चैप्टर एंड डेफिनेटली वे आर गोइंग टू अंडरस्ट दिस चैप्टर नाउ द कीवर्ड्स आर देयर इंपॉर्टेंट सी कीवर्ड्स आर द चेंजेस कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इवर्कोरेशन एक्सपेंशन मेल्टिंग एंड दिस ये सारे टर्म्स से आप अवेयर हो चुके हैं बहुत अच्छे से ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों ठीक है इनकी एक्सरसाइजेज वी विल डू ठीक है ईजी एक्सरसाइजेज हैं बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं ठीक है सो दिस ऑल आर द बेसिकली एक्सरसाइज हैं और आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ आई एल प्रोवाइड यू इन द ग्रुप आई एल गिव यू द होमवर्क द दट होमवर्क यू हैव टू डू ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द एक्सरसाइजेज टू बी सॉल्व ओके बच्चों तब तक के लिए टेक केयर टाटा बाय बाय